guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज की जो रीडिंग है उसका ये टॉपिक है कि आपके जो भी पर्सन हैं, आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, आप दोनों के मन की क्या बातें चल रही हैं, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है आप दोनों के मन में. ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइज. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और गाइज आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई रीडिंग पोस्ट करती हूँ आपके पास उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी. ओके गाइज, सो आप दोनों के मन में क्या चल रहा है आज का ये टॉपिक है गाइज. ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होती हैं. कोई रेमेडीज चाहते हैं, हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, किसी तरीके का भी कोई गाइडेंस चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. गाइज इस रीडिंग को आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी एक पॉजिटिव माइंड से स्टार्ट करें. मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस होती हैं, और आप जब भी देखेंगे उसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा. बट प्लीज़ आप बहुत शांत रह के पॉजिटिव मन से इस वीडियो को स्टार्ट करें. आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, क्या है आपके मन, दोनों के मन की बात. मुझे लग रहा है आप लोगों की शायद बातचीत नहीं हो रही है. Let's check क्या सिचुएशन है. आप दोनों के मन की बात क्या है. The Sun, पहले हम उनका देखेंगे फिर आपका देखेंगे. The Sun, Four of Pentacles, Eight of Cups. I hope you can see the cards. Five of Cups, Two of Swords, The Star, Queen of Swords. Seven of Wands. Bottom of the deck, Eight of Wands. तो guys यहाँ पे signs discuss कर लेते हैं. Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं. Cancer, Scorpio, Pisces मुझे यहाँ दिख रहा है. Aquarius दिख रहा है. Gemini, Libra, Aquarius है definitely. Aries, Leo, Sagittarius भी almost all signs हैं. But जो ज़्यादा निकल कर signs आए हैं that is Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. And Gemini, Libra, Aquarius is also very much highlighted here. Okay, तो guys यहाँ पे मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, आपके person के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर. Guys हो सकता है कि आपको लेकर कुछ इस तरीके की बातें हुई हैं, या उन्होंने आपको पहले शायद एक पुश कर दिया था, आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया था. वो क्लियर नहीं थे, उनके पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी. ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. वो उनके पास जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हों, जैसे कि उनको इस तरीके की सिचुएशन थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आप तक पहुँचें, आप तक आएँ या आप तक नहीं आएँ. क्या वो सही है या नहीं है. मे बी इन्होंने आपको धोखा दिया हो, आपसे बहुत सी बातें झूठ बोली हो. इनको क्लैरिटी अभी तक नहीं है इस रिलेशनशिप में करना क्या है. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगी, ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़कर भी चले गए हो. इनका मन मुझे बहुत परेशान दिख रहा है. आप इनका मन बहुत परेशान हो सकता है, इनको समझ नहीं आ रहा किस रास्ते जाएं, डिसाइड नहीं कर पा रहे. ऐसा है कि दो चीज़ों के बीच में स्टक हैं. चीटिंग भी इन्होंने करी हुई हो सकती है आपको. मे बी इन्होंने बदतमीजी से ट्रीट किया हो सकता है. इन्होंने क्लैरिटी आपको नहीं दी, आपके साथ धोखा किया. ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा. और दूसरी चीज़ गाइस जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि ये इंसान को अफसोस भी बहुत है, जैसे कि इनका कोई लॉस हो गया है, जैसे इनसे कुछ कोई छिन गया है. ठीक है, ये बहुत अफसोस में है, बहुत परेशान है. इनका दिल जैसे टूटा हुआ है, इमोशनल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब इस चीज़ को. एक ऐसा होता है ना कि इंसान ने अगर कोई गलती करी उसको छोड़कर आगे बढ़े, ये बढ़ नहीं पा रहे, ये उस साइड पे पॉजिटिव साइड पे देख नहीं पा रहे हैं कि इस लाइफ में जो चीज़ हुई है या आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको छोड़ के आगे कैसे बढ़े. कोई हर्ट लग रहे हैं किसी बात से ये, और अफसोस भी इनको है अंदर ही अंदर कि इन्होंने ऐसा क्यों किया.
अब इनको ऐसा लगता है आपको पाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और शायद पता नहीं आपको पाया जा भी सकता है या अब नहीं. बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ. ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं. चीज़ें अपने से एक होपफुल है ये इंसान. एक चीज़ और, होपफुल है ये इंसान. बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनको इस रिश्ते को लेकर कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी. फिजिकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन और आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं ये पर्सन. गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है. मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि चले जाएंगे आप कहीं, अपने मन की बात इतनी ये बता नहीं पाते हैं. बहुत क्लोज्ड ऑफ मुझे दिख रहे हैं. अपने मन की बातें जो है ये निकालना नहीं चाह रहे. इनके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, करें ना करें, रुकें चलें, आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको. और इनको डर भी है, इनको बहुत फियर्स हैं. आपको लगता है सामने से दिखने में नहीं है शायद, बट इनके अंदर बहुत घबराहट है, बहुत फियर्स हैं, बहुत इमोशनल क्राइसिस से ये गुजर रहे हैं. इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. देखो आँखों पे जैसे इंसान की पट्टी बंधी है, उसको क्लैरिटी ही नहीं दिख रही है, जैसे उस पर दो तलवारें टंगी हुई हैं. इस तरीके की फीलिंग इस पर्सन को आ रही है. इमोशनली बहुत परेशान ये मुझे दिख रहे हैं. बहुत क्लोज्ड ऑफ है, अपने मन की बात किसी से नहीं निकाल रहे, बट आपको खोना भी नहीं चाहते. इसी तरीके से आपको पकड़ के बैठे हैं जैसे आप इनके साथ हमेशा रहो. एक इनमें बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, एक नई शुरुआत के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं. जैसे देखते हैं ना, सन उगता है और पूरे सबको रोशन करता है, हर जगह रोशनी फैलाता है. उसी तरीके से ही एक ही नई शुरुआत, एक नई सूरज की शुरुआत, एक जैसे एक नया सूरज उगता है, एक नया दिन होता है, वैसे ही ये इस तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. कुछ सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, थोड़े केयरलेस ये पर्सन ज़रूर हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं. देखिए यहाँ पे आप भी इनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं. और मुझे लगता है चाहे देर सवेर, हो सकता है हफ्ते भर में, हफ्ते से एक 8 दिन के अंदर शायद इनका आपको कॉल मैसेज आ सकता है या ये आपको अप्रोच कर सकते हैं. इस तरीके से भी मुझे दिख रहा है. हो सकता है ये आपको छोड़कर मे बी किसी और पर्सन के पास चले गए हैं. कोई ऐसी लेडी, मे बी इनकी मॉम हो सकती हैं या फिर कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं जो कि शायद इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है. ठीक है, जो आप दोनों का रिश्ता है उनके लिए रेडी नहीं है और शायद ये उनकी बात सुन रहे हैं, सुनते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है रिलेशनशिप में आपके. ठीक है, इस तरीके की मुझे चीज़ दिख रही है. बट हाँ, इनका मन बहुत परेशान है. इनको जैसे कहीं सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं, शांति ढूंढ रहे हैं. इनका मन इतना परेशान है ना कि इनको है कि जैसे मैं सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, बस अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. मतलब जो इनके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं दिख रहे हैं फिलहाल मुझे. ठीक है, बट इनको ये है कि डर ज़रूर है. हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो थोड़ी डोमिनेटिंग है. ठीक है, वो अपनी अपने अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हुई मुझे दिख रहे हैं. आपके मन में क्या चल रहा है अब हम वो चेक करने वाले हैं गाइस. मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के मन में क्या चल रहा है, आपके मन की क्या कहानी है, आपको कैसी फीलिंग हो रही है, वो हम चेक करने वाले हैं. ओके, 10 of Wands फर्स्ट कार्ड, King of Wands, 3 of Cups, 8 of Wands, 9 of Swords, Page of Swords, The Emperor. Bottom of the deck, Page of Pentacles. Guys, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं. मैंने ऐसा क्यों बोला, यहाँ पे 3 of Cups का कार्ड आया है गाइज. ये 3 of Cups का कार्ड रिकंसिलिएशन दिखाता है. आपको पता है वो थर्ड पार्टी में है, बट आप चाहते हैं कि वो आपको चूज करें उस थर्ड पार्टी में से, वो आपके पास आए, वो आपको अपनाएं. ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ अब मुझे रिकंसिलिएशन इस पर्सन के साथ करना है. आपके लिए ये फेज काटना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है गाइज. आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं. आपको एक
क्लैरिटी चाहिए, रास्ता नहीं दिख रहा। ये देखो वॉन्ड्स इतने ज्यादा आगे आ गए हैं कि आगे आप देख ही नहीं पा रहे हैं। यू नीड क्लैरिटी। आपकी जो लाइफ में जो रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं। आप क्लियर विजन चाहते हैं, आप आगे एक रास्ता चाहते हैं कि जिससे आपको दिखे और आप आगे बढ़े। यहाँ पे गाइज 9 of Swords का भी कार्ड आया है। ये कार्ड, ये भी देखिए आप जिस तरीके से ये इंसान परेशान है, रातों को इंसान सो नहीं पा रहा है, इस तरीके से आपकी भी स्टेट है। आपके दिमाग में भी 24/7 इसी इंसान के ख्याल, इस इंसान की बातें, इसी इंसान ने जो आपके साथ 10 चीज़ें बोली, कहीं करी, वही आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है। आपको एक सही रास्ता ही नहीं दिख पा रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, मैं किस रास्ते पर जाऊँ, शुड आई बी विद दिस पर्सन, शुड आई लीव हिम। तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा, आपके लिए बहुत एंजाइटी, फियर, एंशियसनेस आपको हो रही होगी, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, एक अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जाकर अपने लिए एक सिक्योरिटी और एक ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, क्योंकि ये इंसान का कुछ नहीं पता, कभी आते हैं कभी जाते हैं। डेफिनेटली आप चाहते तो हैं कि आपकी इनसे बातचीत हो, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि 8 of Wands जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कम्युनिकेट करने का ट्राई भी किया होगा या कर रहे होंगे अभी, ठीक है। हो सकता है आप ब्लॉक्ड हैं या वो इंसान आपको आगे से उस हिसाब से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ है, बट हाँ आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सॉलिड कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि वो ऑन एंड ऑफ रहें, ये चाहते हैं कि जब भी वो आए एक सॉलिड डिसीजन के साथ आए। कुछ लोगों का यहाँ पर ध्यान नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस इंसान का ध्यान जो है इधर नहीं है, ठीक है। आप पीछे क्या चीज़ आ रही है उसका ध्यान वहाँ पे नहीं है, वो ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते से और चाह रहे हैं कि वो एक ऐसी पोजीशन पे जाएं जहाँ पे लोग उनको अपनाएं, जहाँ पे लोग उनको एक्सेप्ट करें। आप काफ़ी चीज़ें छुपाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर आपके मन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, अभी भी आप उनसे हट नहीं पाए हैं। अपने दर्द को आप बहुत छुपाते हैं गाइज, बहुत अपने दर्द को छुपाते हैं, अपने मन में आप काफ़ी बातें रखते हैं और सामने से आप ऊपर से दिखाते हैं जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोशिश भी करते हैं बट ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ध्यान तब भी उन पे ही हो जाता है एट द एंड, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपके लिए वो इंसान बहुत स्पेशल हैं और आपका ध्यान उन्हीं पे ही रहता है। मे बी आप उनको स्टॉक करते हैं किसी ना किसी जगह से, आप उनको स्टॉक ज़रूर करते मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बट हाँ उनके लाइफ में जो एक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हुई है, वो चाहते हैं आप कि वो थर्ड पार्टी चले जाए। ओके, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं गाइस कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। So here, it's time to rise. Okay, no matter what's happening in our lives, we always have the potential to rise above it. Rising is one powerful choice away. Rise out of our negative thoughts or our limiting beliefs. Rise out of our comfort zone or our complaints. Rise out of our slump or out of the potato chip bag. Get up and rise. What are you waiting for, darling? तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। यू हैव टू राइज अप। जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, कुछ भी जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। आपको राइज, यू हैव टू राइज अप, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप उस चीज़ से बाहर आ सकें, बट जो राइजिंग, उस चीज़ से निकलना, आगे बढ़ना और ऊपर, उससे ऊपर आना भी ना, इस लेवल से ऊपर आना भी बहुत हिम्मत की बात होती है और आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगी अगर आप थोड़ा सा राइज अप करेंगे। आप उस चीज़ से निकल के एक अच्छी चॉइस
को चुनेंगे, एक अच्छे ऑप्शन को चुनेंगे, एक अच्छी चॉइस लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेगेटिव थॉट से निकलें, चाहे वो आपका कंफर्ट जोन है उससे निकलें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं उससे निकलें, अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं तो अपने आप को आप उस चीज़ के लिए रेडी करें कि आपको लाइफ में जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये आपका मैसेज आया है। ओके, अब हम रोमांस एंजल से देखने की कोशिश करेंगे कि रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप के बारे में मेक द एफर्ट, एफर्ट करने की जरूरत है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो गाइज थोड़े से आप एफर्ट्स करें इस रिलेशनशिप के लिए, देखें आप कहाँ पर जो है प्रॉब्लम आई है, कहाँ पे आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लव मैसेजेस, लव मैसेजेस क्या हैं, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे गिर गए हैं, गॉड, लगता है आप लोगों की बात नहीं हो रही कि वो काफी चीजें आपको बोलना चाहते हैं, इतने सारे मैसेजेस। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, वो फिर से उस तरीके से फील करना चाहते हैं। आई मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट, जिस तरीके से आप रात को बात करते थे वो अभी भी मिस करते हैं, उस तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला रात को सोने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, सो दिस पर्सन एक्चुअली मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट। लव इज ऑल आई नीड फ्रॉम यू, तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार चाहिए। चिल्ड्रन प्रॉब्लम, कुछ लोगों को चिल्ड्रन प्रॉब्लम एज इन की हो सकता है कि मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं और बच्चों की वजह से इशू आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था बट मैं स्टक था, मैं मजबूर था, मैं फंसा हुआ था, इसलिए मुझे करना पड़ा। लाइफ इज डेड विदाउट यू, तुम्हारे बिना लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। ओके, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, सो मैं विश करता हूँ कि चीजें थोड़ी अलग होती ताकि हम साथ रह पाते, जैसे हम अभी हैं मजबूर वैसे ना होते, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। 4/13/22/31, 4/13/22/31 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका हो सकता है, क्या कोई एनिवर्सरी हो सकती है, एनीथिंग स्पेशल ऑन दिस डे। लिसन, सुनने की जरूरत है। रिकंसिलिएशन, वाओ गाइस, आप लोग मिलने वाले हैं वापस, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, वापस बातचीत शुरू हो सकती है और हो सकता है वो रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हो। आर यू स्टिल एंग्री, वो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे। 3/12/21/30, 3/3/12/21/30 को आपका बर्थडे, उनका बर्थडे एनिवर्सरी हो सकती है। न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, वाओ। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, मे बी उन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है एंड ही वॉन्ट्स and he is sorry about the way he has treated you. अफसोस है उनको और वो उस चीज़ की विश करते हैं कि शायद मैंने इसको काश अच्छे तरीके से ट्रीट किया होता। ओके, आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, वो हर चीज आपके बारे में मिस करते हैं। God will reunite us. God हमको मिलवा के रहेंगे, ऐसा उनको लगता है। कम बैक बेबी, प्लीज कम बैक बेबी का मैसेज आया है, वो चाहते हैं हम वापस आए उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनका मन, उनकी सोल ये कह रही है। ब्यूटिफुल, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बट ये जो इनर मैसेजेस हैं, उनके मन की आवाज है, कहीं ना कहीं वो यही कह रही है कि वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में आए, आप वो आपकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में। ओके, आई केयर अबाउट यू, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ।
ऐसा वो आपको कह रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।